बेस्ट रिजल्ट ऑन यूट्यूब है सर। आपके जो टेम्पल बने हैं वो धोनी के टेम्पल से भी अच्छे बने हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम यासर और आप देख रहे हैं दी अल्फा, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना 5 महीने का रिजल्ट। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ अपना एयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। आपके बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आए मेरी लास्ट वीडियो में, उसके लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, आपका रिज़ल्ट बहुत नेचुरल है, कोई देख के बता नहीं सकता एयर ट्रांसप्लांटेड हैं। और बेस्ट रिज़ल्ट ऑन यूट्यूब है सर। आपके जो टेम्पल बने हैं वो धोनी के टेम्पल से भी अच्छे बने हैं। तो यार, जब ऐसे कमेंट मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और रमज़ान चल रहे हैं तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन है वीडियो बनाने, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो लेकर नहीं आ पाया, आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो को भी मैं कितने दिन बाद डाल पाऊँ कह नहीं सकता, थोड़ा सा काम का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट की बात करें तो यार काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। बाल थोड़े और बड़े हो गए हैं, वक्त के साथ साथ और बड़े होंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। 2 बार मैं बालों को हेयर कट करा चुका हूँ। जो पहली बार, से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के इस चैनल पर अगर आए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि गाइडेंस जो मिलेगी असली वो मेरे इस चैनल पर ही मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और निस्वार्थ भाव के साथ वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन, किसी क्लिनिक की बड़ाई और किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करने वाला हूँ। जो है आपके सामने है, कंपेयर करिए, देखिए और चूज़ करिए। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, कंपैरिजन बताता हूँ, डिसीजन आपका है। आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं तो आप, बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो दो दो बार हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और फेल हो गया उनका हेयर ट्रांसप्लांट, वो क्या करेंगे, ऑप्शन पूछते हैं, बहुत बुरा फील होता है। जिनका डोनर एरिया ख़त्म हो गया है वो चाहते हैं कि उनके डोनर एरिया में बाल लग जाए। बताओ, कोई आगे बाल लगवाने की बजाय डोनर एरिया में बाल लगवाने की बात करे तो कैसा होगा। तो बुरा यानी कि उनकी हालत जो है वो बहुत ही बुरी है। तो चलिए पहले अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, बाकी की बातें तो होती ही रहेंगी। 5 महीने का जो ये रिज़ल्ट है, जो एक नेचुरल हेयर लाइन होती है ना, वो भी यहाँ से थोड़ी आगे पीछे होती है। भाई सलमान खान की देख लो और मेरी हेयर लाइन देख लो, बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी हेयर लाइन अब आके जो बनी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। पिछले वाले क्लिनिक ने तो बॉडी लगा दी थी, उसका भी एक लंबी स्टोरी है, किसी दिन अलग ही वीडियो में सुनाऊँगा आपको। यहाँ पे जो है रोशनी बहुत ज़्यादा है, कि वीडियो के लिए ज़रूरी होता है आपको क्लियर दिखाने के लिए। उन यूट्यूबर की तरह तो नहीं दिख करूँगा कि वीडियो में बहुत पीछे जाके बैठते हैं और 1980 का कैमरा यूज़ करते हैं और इंश्योर करते हैं कि धुंधली वीडियो हो, ताकि उनका रिज़ल्ट पूरी दुनिया को सही से ना दिखे। क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को मिसगाइड करना होता है, जिनके साथ उनके टाई अप हैं वहाँ पर बंदे भेजने होते हैं। अब 50-50 क्लिनिक्स में उन्होंने टाई अप किया हुआ है और हफ्ते में एक केस स्टडी वो डालते हैं। अब अगर कोई क्लिनिक 10 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा है 10 दिन में और एक रिज़ल्ट उसमें से अच्छा आ जाता है, तो क्या आप उस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को अच्छा कहेंगे? भले ही वो 20 रुपये ले रहा हो या वो 50 रुपये ले रहा हो, आप रिस्क लेना चाहें तो आप भले ही जा सकते हैं। ऐसे क्लिनिक में जाइए जहाँ पर सक्सेस रेट 99% हो, 95% हो, 98% हो या 100% हो। ऐसे क्लिनिक में मत जाइएगा जहाँ पर रिज़ल्ट 50% हो, 5 का आ रहा है 5 का नहीं आ रहा। और जो अब यार कोई क्लिनिक कम पैसे क्यों लेगा? अगर वो कम पैसे ले रहा है, 10 रुपये 20 रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो कोई तो वजह होगी। मैं अगर एक मोबाइल ख़रीदने जा रहा हूँ, 10,000 वाला मोबाइल भी जो होता है ना MI कंपनी का, उसका भी कैमरे के अगर आप रिव्यू देखें ना, बहुत ही बढ़िया होते हैं। और एक मैं 70,000 का कैमरा, क्योंकि मोस्टली मैं सैमसंग का यूज़ करता हूँ, आप वो देखो, अगर आप उन दोनों के रिव्यू देखोगे बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। वो कंपैरिजन आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा देखेंगे। अगर आप बुरा ही देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार यही बेस्ट है, कुएं के मेंढक वाली बात हुई। लेकिन जब आप उससे बेहतर देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो ही आपको पता चलेगा बेहतर क्या है। ऐसे ही वीडियो में को देखकर और इन बेवकूफ़ियों में मत आइएगा, ध्यान से डिटेल में देखकर, और उन लोगों के पास जाइए जो क्लिनिक का नाम आपको बताते हों, आप क्लिनिक से डायरेक्ट बात कर सकें, उनसे पूछ सकें कि आपके लास्ट ईयर में आपने कितने हेयर ट्रांसप्लांट करे, कितने सक्सेसफुल हुए। आप उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से
और ट्रांसप्लांटेड जिनके हेयर हैं, आप मुझे 20 या 25 के रेफरेंस दे दीजिए ताकि मैं कॉल करके उनसे बात कर सकूं, अपनी तसल्ली कर सकूं। अगर वो दे सकते हैं तो आप उनके पास जाइए, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ऐसे क्लिनिक के पास मत जाइएगा, चाहे वो 20 रुपये लें, 50 रुपये लें, 100 रुपये लें, 150 रुपये लें। ऐसे क्लिनिक भी हैं जो 150 रुपये पर ग्राफ्ट लेते हैं लेकिन उनके हेड ट्रांसप्लांट रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं होते। वो डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर सेलिब्रिटीज़ के हेड ट्रांसप्लांट की पूरी पूरी जर्नी डालते हैं। अब एक सेलिब्रिटी अपना हेड ट्रांसप्लांट की जर्नी क्यों दिखाएगा, आपने कभी सोचा है? सलमान खान ने अपना हेड ट्रांसप्लांट कराया, बहुत सारे हीरो हीरोइन ने अपना हेड ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन आपको कुछ ही लोगों के हेड ट्रांसप्लांट की जर्नी यूट्यूब पर कुछ क्लिनिक पर क्यों दिखती है, और वो भी पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करते हुए, तो कहीं आपको कुछ लोचा नहीं लगता? मैं बताता हूँ उसके पीछे सच्चाई ये होती है कि उन सेलिब्रिटी को पैसा दिया जाता है कि सर एक तो हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे और आपको पैसा भी ही मिल जाएगा, आपको इतना टाइम देना है तो आपका तो डबल फ़ायदा है। ऐसे में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो छोटे छोटे सेलिब्रिटी हैं, स्पेशली उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती है, हमें भले ही देख कर लगता हो बहुत अर्निंग होती है, इतनी अर्निंग नहीं होती तो वो करा लेते हैं और अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है उस क्लिनिक में जा रहा है तो ज़रूर बहुत अच्छी बात होगी, जबकि उनका रिज़ल्ट आप उन्हीं के चैनल पर देख लो कंपेयर में बहुत ही बेकार होता है। तो मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो प्रॉपर अपनी अच्छे से रिसर्च कीजिए, और सबसे बेस्ट देखनी है आपको हेयर लाइन, और हेयर लाइन में अननेचुरलनेस तो नहीं है। ये चीज़ अगर एक क्लिनिक दे रहा है तो बाकी की चीज़ें भी वो अच्छी दे देगा, मेरा यही मानना है। इसके अलावा आपकी डिमांड आती है डोनर एरिया दिखाओ, तो चलो डोनर एरिया भी दिखाते हैं। और टेम्पोरल में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वक्त के साथ टेम्पोरल एरिया अच्छा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हो गया। दोस्तों ये मेरा डोनर एरिया है जिसमें मैं दो बार इसको ट्रिम करा चुका हूँ, वो भी ज़ीरो ब्लेड से। डोनर एरिया मैनेजमेंट जो हुआ यूजेनिक्स क्लिनिक में काफ़ी अच्छा हुआ, जहाँ जहाँ से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दी गई थी वहाँ से और नहीं निकाली गई, और जहाँ से कम निकाली गई थी वहाँ से और निकाल कर उसको ईवन कर दिया। तो ये डोनर एरिया मैनेजमेंट भी जो है मैं पहली बार बता रहा हूँ किसी वीडियो में, ये बहुत अच्छा रहा मेरा। और मेरे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बाल हैं तो ऐसे में पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ से ग्राफ्ट को निकाला गया है, तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। और ये मेरा क्राउन एरिया है, ये मेरा कभी खाली हुआ ही नहीं था। तो ये बातें हो गई हमारी रिज़ल्ट की, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं, वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे चैट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सुरक्षित रहिएगा, संभल कर रहिएगा। कोरोना ने हमारे देश में एक हाहाकार मचाया हुआ है, सब कुछ ठप हो गया है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, लोगों की जॉब नहीं है। तो मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ कीजिए कि हमारे देश में शांति वापस आ जाए, लोगों में खुशहाली बढ़े और देश में सब कुछ ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।